सुबह 6:30 बजे फजर की नमाज के बाद हम सफर पर रवाना हुए। पेट्रोल डलवाने का इरादा किया तो पता चला बाइक थोड़ी सी खराब हो गई थी, हमारे मैकेनिक उस्मान भाई ने ठीक की है, तो हम आज सफर अपना स्टार्ट करते हैं। कहाँ जा रहे हैं ये भी बताते चले। हमारा सफर संडा पत्थर या निलांग बोथो जो कि जिला गा है बड़ी इमाम साहिब की, और साथ में हमने नाश्ता किया। हम मनाल क्रॉस कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा आगे आए हैं और आपको हम अंदर दिखा रहे हैं। सूरज अभी ग्लू हुआ है, तकरीबन थोड़ी देर हुई है, मतलब के सूरज 1 घंटे का होना है अभी इस टाइम। केपीके में दाखिल होने के थोड़ा ही बाद ये चश्मा आएगा, इसका पानी लाजवाब है और अगर आपका आना हो तो यहाँ पर लाजमी रुकिएगा। ये हमारा सफर रह गया तकरीबन, आप देख सकते हैं 17 मिनट का सफर रह गया है, तकरीबन आधा घंटा में लग जाना क्योंकि उतार चढ़ाई उतराई ये सारी चीजें मिक्स है। और संदा बाजार आकर हम कंफ्यूज हो गए कि सीधा जाना है या मुड़ना है, इसी कश्मकश में हम यहाँ के विजुअल्स लेना भूल गए। वाली के गुजर का इंतहाई दिलकश लगी, यहाँ कुछ लम्हे सुकून भरे गुजारने के बाद आगे रवाना हुए। सफर थोड़ा रह गया था, भूख से एनर्जी लेवल कम हो रहा था, यहाँ पहुंचकर पता चला यहाँ पर नीचे सीढ़ियाँ भी उतरनी पड़ेंगी। मरते क्या ना करते अल्लाह का नाम लिया और उतरने लगे, नीचे उतरे तो पानी ही पानी था साथ। अहमद साहब पानी खुश की जगह तलाश करते हुए जहाँ से गुजरना है, इसको वाटर फॉल भी है। A few moments later. बहुत सारी तस्वीरें बनाने को अच्छी लगा के रुक किया। इस पानी में मौजूद मछलियां जिन्हें गोश्तखोर मछलियां भी कहा जाता है, और यहाँ के लोगों का मानना है कि इन मछलियों ने बड़ी इमाम रहमतुल्लाह अलैह साहिब का गोश्त खा लिया था। लेकिन एक ख्याल ये भी किया जाता है कि इन मछलियों को पकड़ने वाला या फिर इनको कोई भी नुकसान पहुँचाने वाला खुद मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता है या उस पर मुश्किल आ जाती है। और यहाँ पर एक ऐसा पत्थर भी मौजूद है जो संडे की शक्ल का है, और लोगों का ये ख्याल है या यहाँ के लोग ये मानते हैं कि ये पत्थर हजरत बड़ी इमाम साहिब की करामत की वजह से पत्थर का हुआ था। ये चला गया है, ये चादरें शादरें डाली नहीं है, ये चला गया है सर बड़ी इमाम सरकार की उधर इस्लामाबाद में। तो अहमद भाई शरीर थक गए हैं, और अहमद भाई इधर देखें कैमरा में देख के हाथ हिला रहे हैं। वापसी जगह टाइम बहुत हो गई। ये जी हमने आज जो ट्रिप स्टार्ट किया था उसकी वापसी की राह लेते हैं हम। ये सीढ़ियाँ जो थोड़ी सी हैं ये दरबार टाइप है, उसके नीचे वो पानी का ये उस्मान भाई और अहमद भाई पीछे पीछे आ रहे हैं। अब हम अपनी मोटरसाइकिलों की तरफ जाते हैं। माशाल्लाह बहुत ठंडा पानी था, और ये मस्जिद है और भी सीढ़ियाँ, तो उनकी तरफ चलते हैं देखते हैं बाइकें खड़ी भी हैं कि नहीं खड़ी। लेवल शदीद डाउन है, बाइकों का डर था कि पता नहीं होंगी कि नहीं, वो सामने है। वापसी पर नाश्ते के लिए मखनियाल गाँव पहुँचे, जहाँ दान भाई ने गर्म गर्म पराठे देसी अंडे खालिस दूध की चाय इनसे बेहतरीन नाश्ता करवाया। बेशक मार्गला के पहाड़ में ये बेहतरीन नाश्ते की जगह जहाँ दान भाई लकड़ी के आग पर नाश्ता बना कर देते हैं और बाकी चीज़ें भी सर्व करते हैं। ये नाश्ते के लिए रुके हैं, वो सामने होटल है, ये भाई जान रेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने भाई के लिए चारपाई दी है, और ये उमर भाई बैठे हैं, और ये भाई जान अच्छा नाश्ता आ चुका है। ये देखिए क्या माहौल है नाश्ते का, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने पहले शुरू कर लिया, ये बाद में बना रहे हैं, फुल घर वाली फीलिंग है पराठे। और पहाड़ों की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि आप जैसे इनके साथ हों ये वैसे ही आपके साथ बर्ताव करते हैं। अगर आप खामोश हैं तो ये आपको बदले में खामोशी देंगे, अगर आप शोर कर रहे हैं तो ये आपकी ही आवाज़ आपको वापस देंगे। दोस्त यहाँ सफर मुश्किल और लंबे तो ज़रूर हैं,
लेकिन साथ ही साथ हसीन और खूबसूरत भी। इस उम्मीद के साथ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।